नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। आज फिर हम आपके सामने लाए हैं अपना नया टॉपिक MCQ ऑन मेसन वर्क्स एंड मेसन टूल्स। जो मेसन्स बढ़ई होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो चिनाई के उनके जो काम होते हैं उनके MCQ है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक्स? जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 35 kg/cm², 40 kg/cm², 45 kg/cm², 50 kg/cm². जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकती हैं वो अपने ऊपर? तो देखिए क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 35 kg/cm². नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ प्रिपेयर्ड एज आर्टिफिशियल सैंड? आर्टिफिशियल सैंड कौन सी होती है? सी सैंड, रिवर सैंड, क्रशिंग स्टोन सैंड, पिट सैंड। तो जो आर्टिफिशियल सैंड कैसे तैयार की जाती है और कौन सी होती है, इनमें से आप ऑप्शन देखिए और सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रशिंग स्टोन सैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग IS 12269? जो ग्रेड है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की वो कौन सी है? 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड और 63 ग्रेड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। कौन सी ग्रेड होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कन्फर्मिंग IS सी है जो? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 53 ग्रेड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड ऑफ ब्रिक्स आर लेड क्रॉस वाइज विद 5 cm लैप ईच कोर्स? ईंटों को किस चिनाई को प्रत्येक 5 cm दूरी के साथ क्रॉस वार किया जाता है? स्ट्रेचर बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड है जो 5 cm लैप कोर्स होता है जिसमें? तो ऑप्शन देखिए और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हेड बॉन्ड है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्र दिखाया गया है कौन सा टूल है? ये आपको टूल देख के बताना है इस टूल का क्या काम होता है और ये क्या नाम है इस टूल का। तो ऑप्शन है मेसन ट्रोवल, मेसन स्क्वायर, प्लम बॉब, वुडन पैग। तो देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि ये टूल्स क्या है। ये सभी ने देखा होगा, आम टूल है जो मेसन्स हैं वो यूज़ करते हैं चिनाई में। इसका सीधाई देखने के लिए वर्टिकल इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या नाम है इस टूल का, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लम बॉब इसको बोला जाता है और वर्टिकल जो लेवल है वो इसे चेक करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉर द सीमेंट इन स्टोरेज आफ्टर 3 मंथ? 3 महीने बाद जो सीमेंट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ रहती है? 48%, 60%, 75%, 85%। तो 3 मंथ के बाद, स्टोरेज के बाद कितनी स्ट्रेंथ रहेगी सीमेंट की? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 85% स्ट्रेंथ बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन MM फॉर RCC वर्क्स इन ऑल प्रीकास्ट आइटम सच एज वॉश बेसिन? जो प्रीकास्ट आइटम बनती हैं, कौन सी जो एग्रीगेट है बजरी है उसका साइज कौन सा साइज यूज़ किया जाता है? 12 से 20 mm, 12 से 35 mm, 25 से 50 mm। तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखते हैं कौन सी एग्रीगेट का साइज़ यूज़ किया जाता है प्रीकास्ट आइटम बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 12 से 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग आउट एंड चेकिंग फॉर स्क्वेयरनेस विद द
एड ऑफ स्ट्रेट एज फॉर प्लम रूल। प्लम रूल से हम क्या चेक करते हैं, क्या मैसन स्क्वायर, बिल्डर स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, बेवल स्क्वायर, तो जो सेटिंग आउट है, स्क्वेयरनेस है, कौन से एड से हम चेक कर सकते हैं। तो कॉर्नर वगैरह जो शार्प पे होते हैं उनकी सीधाई है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो बिल्डर स्क्वायर है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लास्टर थिकनेस ऑफ नॉट मोर देन 25 mm फिनिश्ड सरफेस रिजेंबल वेरी मच एज मार्बल फिनिश। तो कौन सा जो प्लास्टर है उसकी जो थिकनेस है 25 mm होती है, लाइम मोर्टर प्लास्टर, रफ कोट प्लास्टर, पेबल डैश प्लास्टर, स्टक्को प्लास्टर। तो कौन सा प्लास्टर है जो मोर देन 25 mm थिकनेस होती है। ऑप्शन है सही का स्टक्को प्लास्टर है जो उसकी जो थिकनेस है वो 25 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो 120 kg/cm², 115 kg/cm², 110 kg/cm², 105 kg/cm². तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो राइट आंसर इज 105 kg/cm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन सच एज ब्रिज, स्टोरेज बिल्डिंग ईटीसी। तो जो ब्रिक्स हैं कौन सी यूज की जाती हैं स्टोरेज और बिल्डिंग में, ब्रिज में, सॉलिड ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स। तो कौन सी ब्रिक्स यूज की जाएंगी, इसका देखिए चारों ऑप्शन और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर इज हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बिल्डिंग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पीरियड रिक्वायर्ड इन डेज फॉर कंक्रीट शुड बी कैप्ट इन क्योरिंग। जो कंक्रीट होता है उसको कितने समय तक क्योरिंग की जानी चाहिए, 1 day 7 to 28 days, 28 to 35 days, 35 to 45 days। तो ये सभी को पता है कंक्रीट की जो क्योरिंग है कितने दिनों के लिए की जाती है। तो राइट आंसर इज 7 to 28 days, 28 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन 1:1:6 फॉर मिक्सचर। तो कौन सा मिक्सचर है ये, 1 cement 1 sand 6 lime, 1 cement 1 lime 6 sand, 1 lime 1 sand 6 cement, 1 lime 1 cement 6 clay। तो आंसर क्या होगा, सोचिए और आंसर देखिए क्या होगा। तो राइट आंसर है 1 part cement 1 part lime 6 part sand इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो चित्र दिखाया गया है वो क्या है, मोर्टार पेन, पिकैक्स, सॉल, स्पेड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जो चित्र देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल है और कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है सावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग। जो चित्र में आपको स्काफोल्डिंग दिखाई गई है कौन से टाइप की है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट स्काफोल्डिंग। तो ये चित्र देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन से टाइप की ये स्काफोल्डिंग है। तो इसके ऑप्शन हैं इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग, डिपेंडेंट स्काफोल्डिंग, लैडर स्काफोल्डिंग, नीडल स्काफोल्डिंग। तो ये क्या चीज़ है बच्चों, चित्र में जो दिखाई गई है ना, ये आपको पैड दिखाई गई है, किस अलग अलग टाइप्स की जो वर्किंग पैड होती हैं, पर प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं जो वर्किंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका,
लैडर स्काफोल्डिंग का चित्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स बाय वॉल्यूम फॉर RCC वर्क टू मशीन फाउंडेशन सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन। जहाँ पे वाइब्रेशन होती है उस फाउंडेशन में कौन सा RCC यूज़ किया जाता है। रेशियो पूछिए इसने, कौन सी रेशियो हम यूज़ करेंगे, तो इसमें रेशियो बतानी है कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट 1 सीमेंट, 2 एग्रीगेट, 4 एग्रीकोर्स एग्रीगेट। सीमेंट है नेक्स्ट है, 1 सीमेंट, 3 एग्रीगेट, 6 कोर्स एग्रीगेट। ऐसे ही 1, 4, 8 है, 1, 2, 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा RCC के लिए, जहाँ पे मशीन फाउंडेशन में वाइब्रेशन हो, कौन सी हम रेशियो यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर है 1, 2, 4, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट एग्रीगेट और 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्रश्ड ग्रेवल सैंड थ्रो IS सीव नंबर 120। तो 120 की जो छलनी है उसमें क्या परसेंटेज होनी चाहिए। 0 से 10%, 5 से 30%, 25 से 60%, 45 से 85। तो इंडियन सी पे क्या रिटेन करेगा, कितनी परसेंटेज है, ये होगी 45 से 85। नेक्स्ट है, विच बोन्ड ब्रिक्स आर लेड लेंथ वाइज हाफ ब्रिक लैप। कौन सा है जो बोन्ड है लेंथ वाइज यूज किया जाता है। स्ट्रेचर बोन्ड, हेडर बोन्ड, रैकिंग बोन्ड, डच बोन्ड। कौन सा बोन्ड लेंथ वाइज हाफ ब्रिक्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। चारों ऑप्शन देख के इसका सही जवाब आप देखिए, देने की कोशिश कीजिए। तो सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन चारों कंफ्यूजन है, लेकिन आप देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड है जो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीक्वेंस टू सेट आउट ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का सेटअप तैयार करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। मार्किंग थर्ड लाइन ऑफ द बिल्डिंग, वेरीफाइंग डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन प्रोफाइल मार्किंग, मार्किंग फोर्थ लाइन ऑफ द बिल्डिंग, ड्राइविंग नेल्स ऑन द पेग। तो क्या यूज़ किया गया है इसमें, कौन सी सेटअप है बिल्डिंग का तैयार करने में। तो राइट आंसर है वेरीफाइंग डायगोनल डिस्टेंस। जो डायगोनल डिस्टेंस है अगर हम उनको वेरीफाई कर लेंगे तो बुनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फ्लेक्सिबल मटेरियल इज़ हीटेड एंड स्प्रेड ओवर बेडिंग ऑन वॉल यूज्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के लिए कौन सा मटेरियल का स्प्रे किया जाता है डैम्पनेस को रोकने के लिए। कॉपर शीट है, हॉट बिटुमन है, ब्रिक्स है, ग्रेमाइट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरल है, सभी को पता होना चाहिए इसका, घरों में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, तारकोल है जो उसका यूज़ किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। जो टूल दिखाया गया है उसका क्या नाम है। क्लब हैमर, स्कॉच बॉलस्टर, ज्वाइंटर। तो जो आपको चित्र दिखाया गया है कौन से टूल का है, ये चित्र देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टूल है ये। तो क्या आंसर होगा इसका, सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोलस्टर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।